नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में आप इसी पावर को जगाने के तरीके सीखने वाले हैं। आज हम अवेक द पावर ऑफ फेथ बुक के बारे में जानेंगे, जिसे स्पिरिचुअल गुरु सरशी ने लिखा है। यह बुक हिंदी में विश्वास नियम के नाम से भी अवेलेबल है। इस किताब में सरशी बताते हैं कि अगर आप अपने अंदर विश्वास रखते हैं तो आप उस विश्वास को कैसे रियल बना सकते हैं। तो चलिए फिर इस बुक वीडियो की शुरुआत। एक इंसान था जिसे घूमने का बहुत शौक था। वह अपनी पूरी लाइफ सिर्फ घूमना ही चाहता था। इस तरह घूमते घूमते एक बार उसे लगा कि शायद अब वह दुनिया में हर जगह घूम चुका है, बस रेगिस्तान में घूमना बचा हुआ है। इसलिए उसने अपना मन बनाया और एक रेगिस्तान पहुंचा। रेगिस्तान में घूमते घूमते उसको 2 से 3 दिन हो चुके थे। उसका सारा खाना और पानी खत्म हो चुका था और अब वह उस रेगिस्तान से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वह रेगिस्तान में बहुत आगे आ चुका था, इसलिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। उसने रेगिस्तान के बारे में सुना था कि कैसे खाने पीने की कमी के चलते कई लोग उस रेगिस्तान में ही अपना दम तोड़ देते हैं। अब उसके पास भी खाना और पानी खत्म हो चुका था। उसको लगा शायद वह भी ऐसे ही मारा जाएगा और इसकी वजह से उसकी घबराहट बढ़ गई। ऐसे में जब उसने अपने आसपास देखा तो उसके आसपास ना कोई घर था, ना कोई जानवर और दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं था। उसके चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। तभी उसने दूर एक हैंड पंप देखा। वो अपनी बॉडी में बची एनर्जी के साथ उस हैंड पंप के पास दौड़ा और वहां पहुंचा। उसने उस हैंड पंप को चलाना शुरू किया, लेकिन बहुत देर चलाने के बाद भी उसमें से पानी नहीं निकला और वह बेबस होकर बैठ गया। लेकिन तभी उसकी नजर पास में पड़ी एक पानी की बोतल पर पड़ी, जिसके अंदर सिर्फ आधा ही पानी भरा था और उस पर लिखा हुआ था, इस पानी को उस हैंड पंप में डालो, फिर चाहे जितना पानी पियो। अब यह सिचुएशन उस आदमी के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी, क्योंकि उसके पास एक बोतल थी जिसके अंदर आधा पानी था। उसे पानी की सख्त जरूरत थी। या तो वह उस पानी को पी सकता है या हैंड पंप में डाल सकता है। हैंड पंप में पानी डालना रिस्क से कम नहीं है। अगर पानी हैंड पंप में डालने के बाद भी हैंड पंप नहीं चला तो उसके हाथ से आधा बोतल भी पानी चला जाएगा और वो प्यास से ही मर जाएगा। लेकिन अगर हैंड पंप से पानी मिल गया तो वो जितना चाहे उतना पानी पी सकता है। उस आदमी के दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगे कि अगर पानी नहीं डाला तो उसके बाद आने वाले लोगों को भी इस चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। उसने सोचा, अगर आज मैंने रिस्क लेकर इसे नहीं चलाया तो लोग दूसरों की मदद पर भरोसा कैसे करेंगे। इसलिए उसने इस बात को याद करते हुए आधी बोतल पानी हैंड पंप में डाल दिया और इस बोतल पर लिखी हुई चीज पर भरोसा करते हुए हैंड पंप चलाना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और पानी आ गया। उसने पहले जी भर के पानी पिया, उसके बाद अपनी बोतल और जग में पानी भर लिया। एंड में उस बोतल में आधा पानी भर कर रर उस पर लिखा, आप इस बोतल पर भरोसा कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि बोतल की तरह ही फेथ यानी कि विश्वास हम इंसानों के अंदर पहले से ही मौजूद है, बस जरूरत है इसे जगाने की। फेथ ऐसी चीज नहीं है जो किसी स्पेसिफिक इंसान या लोगों के ग्रुप को ही मिले हैं, बल्कि फेथ तो हर इंसान में है। फेथ या बिलीफ वो है जो आपको बताए गए हैं, आपने कहीं सुने हैं या उन्हें मान चुके हैं। टाइम के साथ जितनी ज्यादा नॉलेज हम लेते हैं हमारे फेथ बदलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हमें पहले फेथ था कि अर्थ के पास सिर्फ चांद ही एक प्लेनेट है, लेकिन ज्यादा नॉलेज लेने और ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने से पता चला कि उनके अलावा भी अर्थ के पास कई सारे प्लेनेट हैं। अब बात आती है लग्जरी रियलिटी की। इसका मतलब है ऐसी सच्चाई जो आपने अपनी थिंकिंग से बना दी। इजरी रियलिटी में हम उसी के सच होने में विश्वास करते हैं जैसा देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से कई बार यह हमें असल सच्चाई से हटा देती है। लग्जरी रियलिटी को आप एक लेंस की तरह समझ सकते हैं, जहां जो चीजें आपका माइंड देखना चाहता है वह बड़ी हो जाती हैं और दूसरी चीजें उसके कंपैरिजन में कम यूजफुल लगने लगती हैं, जिसकी वजह से आप कई बार सिर्फ अपनी मनपसंद लाइफ को देखने में ही टाइम गुजार सकते हैं और सच्चाई से वाकिफ नहीं होते। जब आपको रियलिटी हिट करती है तो आप अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते। ऑथर कहते हैं यही रीजन है कि ज्यादातर लोग लाइफ में दुखी और अनसक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वह सच्चाई से दूर भागते हैं। आपको कभी भी सच्चाई से नहीं भागना चाहिए, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। कई बार ये लग्जरी रियलिटी सही भी साबित होती है। जैसे हम जानते हैं कि पैसा बहुत जरूरी टूल है, अच्छी हेल्थ और रिलेशनशिप के लिए पैसा जरूरी है। अब ये एक सच्चाई है जिसे पहले विश्वास करेंगे यानी कि फेथ करेंगे, फिर उस फेथ से रिलेटेड रियल लाइफ एक्सपीरियंस से
यह फेथ मजबूत बनकर टाइम के साथ एक बिलीफ बन जाएगा, जिसे आप उस टाइम बिना किसी डाउट के सीधा सीधा सच मान ले लेंगे। अगर आप इस फेथ को मानते हुए एक लग्जरी रियलिटी बनाते हैं, जहां अपने आप को एक अमीर इंसान की तरह इमेजिन करें और मेहनत करते रहे, तो आप जरूर अमीर बनेंगे, क्योंकि ऐसे में आपका बिलीफ और लग्जरी रियलिटी दोनों ठीक है, दोनों आपके फेवर में काम करेंगे। लेकिन अगर आप गलत चीजों को बिलीफ मान लें, जैसे लाइफ में सिर्फ बुरे काम करके ही पैसा कमा सकते हैं या अच्छे काम करके किसी का भला नहीं होता, यह गलत फेथ है। अगर आप उसे सही माने और इसके ऊपर अपनी लग्जरी रियलिटी बनाए, तो आप वही देखेंगे जो देखना चाहते हैं, यानी कि आप बुरे काम में खुशी और पैसा कमाने के तरीके नोटिस करने लगेंगे। बुरे काम ज्यादा दिखेंगे और अच्छे काम छिप जाएंगे। बिलीफ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में खुद की एक तस्वीर बनाते हैं, जिसे हम मैं के नाम से जानते हैं। जैसे मैं वो इंसान हूं जो आगे बढ़ेगा, या मैं वो इंसान हूं जो लाइफ में सक्सेसफुल होगा। अगर आप सही चीज को देखकर बिलीफ बना रहे हैं तो सक्सेसफुल होंगे, लेकिन सिर्फ अपना मन रखने के लिए गलत चीजों को देखकर बिलीफ बना रहे हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं। इसलिए यह पहचानना बहुत जरूरी है कि सही और गलत बिलीफ क्या है। ऑथर कहते हैं कि हमारे बिलीफ में बहुत ताकत है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान में क्या फर्क है, तो मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ एक बिलीफ का ही फर्क है। सक्सेसफुल इंसान को विश्वास होता है कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा, इसलिए वह सक्सेसफुल इंसान बनता है। अनसक्सेसफुल इंसान को खुद पर डाउट रहता है कि शायद मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इसलिए आज वो अनसक्सेसफुल है। पर्सनल बिलीफ बनाने के लिए ऑथर एक टिप बताते हैं, आप उन्हीं लोगों को देखिए, उन्हीं लोगों के बारे में पढ़िए और उन्हीं लोगों को सुनिए जिनकी तरह बनना चाहते हैं। ऐसा करने से आप उनके माइंडसेट को समझ पाएंगे और अपने माइंडसेट को वैसा बना पाएंगे। ऐसा करने से आपको ज्यादा लोगों की एडवाइस भी नहीं लेनी पड़ेगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करके और सीखे हुए तरीकों को अप्लाई करने से आपका बिलीफ मजबूत होता जाएगा। याद रहे, सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करें जिनके पास वो रिजल्ट है, या वो उन रिजल्ट को पाने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं जिन रिजल्ट्स को आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। और एक बार आपका बिलीफ सक्सेसफुल लोगों की तरह मजबूत हो जाए, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। बचपन से हमारे अंदर पेरेंट्स, दोस्त, आसपास के लोग और मीडिया के द्वारा कुछ फिजूल के बिलीव्स भर दिए जाते हैं। उन बिलीव से इन्फ्लुएंस होकर काम करने से लाइफ में उसी तरह के एक्शन लेते हैं और बदले में वैसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे बिलीव्स को ज्यादातर लोग कभी लाइफ में बदलने की कोशिश ही नहीं करते, कभी खुद से भी सवाल नहीं करते कि अगर कोई बात बताई गई है तो क्यों बताई गई है, क्या ये आज के टाइम में हमारे लिए सच में यूजफुल है। जैसे नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को बचपन में बताया जाता है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें हम अमीर नहीं हो पाएंगे। ऐसे में 90 पर लोग बिना अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किए इस बात को सच मानकर बैठ जाते हैं। वहीं 10 पर लोग इस बिलीफ को अपने दिमाग से निकालकर अमीर बनने वाली बातों में बिलीव करना शुरू करते हैं, जिससे वह एक अमीर और सक्सेसफुल इंसान बनते हैं। सक्सेसफुल और खुश लाइफ जीने के लिए जरूरी है कि आप अपने बिलीव्स को लेकर सवाल पूछें और देखें कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपकी खुशी और ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है और क्या नहीं है। एक बार आप अपने दिमाग में सभी लिमिटिंग बिलीव्स को, आइडेंटिफिकेशन को रिलैक्स कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए नई जरूरी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इस तरह सोचें ताकि अगली बार जब आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, तो उसे फटाफट अपने दिमाग से निकालकर अपने आप को एक भरोसा दिलाएं कि आपको किसी नेगेटिव बिलीफ की जरूरत नहीं है और आप पॉजिटिव बिलीफ के साथ खुशी से आगे बढ़ रहे हैं। फेथ वो पावर है जो हमारी बिलीफ की रियलिटी को बदलती है। जब आप किसी चीज को बिना किसी डाउट के मान लेते हैं, तो वो बिलीफ बन जाता है। जैसा एस कहते हैं कि अगर आपने सोच लिया कि आप एक पहाड़ तोड़कर समुद्र में फेंक सकते हैं और आपको अपने आप के लिए कोई भी मन में डाउट नहीं आया, तो आप ऐसा जरूर कर लेंगे। कई लोग कभी अपने फेथ की असली पावर को समझ नहीं पाते। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो हर चीज हासिल करना आसान है। मजबूत विश्वास से आधे से ज्यादा डाउट तो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। आप अपने फुल पोटेंशियल का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपके पास कुछ पैसे हैं और आप उनको दो जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। या तो पूरे पैसों को दोनों जगह आधा आधा इन्वेस्ट कर दें, या एक जगह जगह ज्यादा और एक जगह कम इन्वेस्ट कर दें, या पूरा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट करें। इसी तरह हमारा विश्वास यानी कि फेथ भी एक एसेट की तरह है, जिसको आप चाहे तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने वाली चीजों में इन्वेस्ट करें, या चाहे तो नेगेटिव एनर्जी में इन्वेस्ट करें। यह आपकी चॉइस है।
पॉजिटिव एनर्जी में इन्वेस्ट करने से खुशी और पावर बढ़ती है और नेगेटिव एनर्जी में इन्वेस्ट करने से आप लाइफ में दुखी और पीछे ही रहेंगे। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने वाली बातों पर भरोसा करें। इसके लिए फेथ के फंक्शन को समझना जरूरी है। जैसे बिलीव्स होंगे वैसी फीलिंगलेस जैसी फीलिंग होंगी, वैसे एक्शंस होते हैं जैसे एक्शन होंगे, वैसा ही रिजल्ट होगा और जैसा रिजल्ट वैसे फेथ डेवलप होते हैं। जैसा बिलीफ वैसी फीलिंगलेस करेंगे वैसा ही फील करेंगे। पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव फील करेंगे। जैसी फीलिंगलेस पायर होते हैं और नेगेटिव सोच से नेगेटिव एक्शन लेने के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं। इस तरह हमारी फीलिंगलेस पर बहुत असर पड़ता है। जैसे एक्शन वैसा रिजल्ट होता है। मतलब रोज एक्सरसाइज जैसे एक्शन लेने से मसल्स मजबूत होती हैं और आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। और जैसा हमारा रिजल्ट वैसा फेथ डेवलप होता है। मतलब एक बार जब एक्शन लेने से पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो उन एक्शंस पर भरोसा बढ़ जाता है। अगली बार हम ज्यादा भरोसे से दुगनी मेहनत करते हैं। नेगेटिव फीलिंग के साथ काम करने से रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलता है और आप उन एक्शंस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाते। हमारे फेथ दो तरह से डेवलप होते हैं, नेगेटिव फेथ साइकिल और पॉजिटिव फेथ साइकिल से। चलिए नेगेटिव फेथ साइकिल को समझें। दो टीम के बीच एक फुटबॉल मैच हो रहा है। एक है टीम ए और दूसरी है टीम बी मैच। जिस सिटी में हो रहा है वो टीम ए का होम टाउन है और क्योंकि वो टीम ए का होम टाउन है इसलिए ज्यादातर लोग टीम ए के लिए चेयर कर रहे हैं। अब मैच ऐसे मोड पर है जहां टीम ए आगे है और टीम भी पीछे है। आप इस सिनेरियो को अपने माइंड में इमेजिन करके देखिए। दोनों टीमों ने सेम ही फेथ के साथ इस मैच को शुरू किया था कि हम मैच जीतेंगे, लेकिन अब क्योंकि एक टीम आगे निकल चुकी है इससे दूसरी टीम सोच रही है कि आज हम हार जाएंगे। यही नेगेटिव फेथ साइकिल की शुरुआत है जहां पर अब आपको लगने लगा है कि वह हार जाएंगे। अब दूसरी टीम के मन में नेगेटिव फेथ साइकिल की शुरुआत हो गई जहां धीरे धीरे उनका मोटिवेशन नीचे आने लगा है। हालांकि अब भी दूसरी टीम के पास जीतने का मौका था, लेकिन अब उनके जीतने का भरोसा और फेथ कमजोर होने लगा था, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा खराब होने लगी। जब उन्होंने हार मान ली तो लूजर की तरह फील करने लगे, जिसका असर खराब परफॉर्मेंस के रूप में दिखा और वह टीम मैच हार गई। तो चलिए अब हम पॉजिटिव फेथ साइकिल को समझते हैं। अब आप टीम ए के बारे में सोचकर देखिए, जो धीरे धीरे टीम बी पर दबदबा बना रही थी और लगातार जीत हासिल कर रही थी, जिससे उनका मोटिवेशन ज्यादा बढ़ गया। वो एक्साइटेड हो गए और ज्यादा खुश फील करने लगे, जिससे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होने लगी। हालांकि उनके भी कई गोल मिस हुए, लेकिन जीत के बिलीफ से वह बाउंस बैक करते गए और मैच को अपने काबू में करते गए। इस तरह गोल होने से दोबारा विश्वास मजबूत हो गया। उन्होंने मोटिवेटेड फील किया और पॉजिटिव फीलिंग से पॉजिटिव एक्शन लिए और रिजल्ट यह हुआ कि वह मैच जीत गए। दोनों टीमों ने एक ही बिलीव के साथ शुरुआत की कि वह जीत सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद टीम बी हार गई। इसलिए नहीं कि उन्हें फेथ नहीं था, बल्कि इसलिए कि उनका फेथ पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल गया, जबकि टीम ए ने पूरे मैच के दौरान अपने जीतने के पॉजिटिव बिलीव्स को बनाए रखा और जीत गई। हम बचपन से ही जो सुनते देखते और एक्सपीरियंस करते हैं वो बातें हमारे फेथ के बीच की तरह बन जाती हैं। हम अपनी फीलिंगलेस करने लगते हैं कि वो हमारी पर्सनल रियलिटी बन जाते हैं। हर थॉट जिससे हम एग्री करते हैं, हर थॉट जो हमें कंफर्टेबल लगता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, जाने अनजाने में हम उस बिलीफ के बेस पर ही एक्शन लेते हैं जो बच्चे अपने पेरेंट्स को बिना किसी शर्त दूसरों की मदद करते देखते हुए बड़े होते हैं। वो जाने अनजाने में खुद में एक हेल्पिंग नेचर डेवलप करते हुए बड़े होते हैं। जब वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां उनके आसपास किसी को मदद की जरूरत होती है तो फटाफट उनकी मदद कर देते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर उस फेथ के बीच के साथ बड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पेरेंट्स को यह कहते हुए सुना है, आपको लोगों के लिए काइंड और हेल्पफुल होना चाहिए। उन्होंने अपने पेरेंट्स को लोगों की मदद करते हुए देखा है, इसलिए वह बड़े होने पर उस वेद पर डाउट नहीं करते, बल्कि खुशी खुशी उसे मान लेते हैं। है दूसरा एग्जाम्पल ऐसे बच्चों का है जो अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली स्ट्रगल करते देखते हुए बड़े होते हैं। आमतौर पर उनके घर में पैसों को लेकर कमी और नेगेटिव बातें की जाती हैं, इसलिए जाने अनजाने में उनके मन में पैसों को लेकर नेगेटिव फीलिंग लेस सभी जरूरत की चीजें नहीं है। लाइफ आसान नहीं है और अपने मनचाही चीजों के साथ लाइफ जीना आसान नहीं है। यह बातें उनके लिए फेथ का बीज बन जाती हैं। जब तक वह अपनी उन फीलिंग लेस को बदलने की कोशिश नहीं करते, तब तक उनके गरीब रहने और लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करने की संभावना बनी रहती है। अपनी रियलिटी से फ्री होने के लिए उन्हें अपने गरीब रहने वाली बिलीव्स को बदलकर अमीर बनने वाली बातों पर भरोसा करना होगा।
ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स बहुत अमीर होते हैं वो इस बिलीव के साथ बड़े होते हैं कि पैसे कमाना आसान है। मन चाहे गोल पाने के लिए हमेशा जरूरी रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, आपको बस उन्हें ढूंढकर इस्तेमाल करने की जरूरत है। इस बिलीफ की वजह से ऐसे माइंडसेट वाले बच्चों के अमीर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो लेसन यह है कि पैसा खुशी और सक्सेस पाने के लिए आप पैसे खुशी और सक्सेस को लेकर अपने बिलीव्स को आइडेंटिफिकेशन, उनके फेथ में मजबूती की कमी है। मन चाहे रिजल्ट पाने के लिए आपका मन अपने काम को लेकर अनकंडीशनल और अनशकेबल होना चाहिए, यानी कि आपका फेथ इतना पक्का होना चाहिए कि आपको कोई भी गुमराह ना कर सके। एग्जाम्पल के लिए, अपने कॉरपोरेट करियर में आगे बढ़ने के लिए एक जॉब रिजेक्शन के कारण आप अगली जॉब को ढूंढना नहीं छोड़ सकते। आपको बार बार रिजेक्शन के बाद भी अपने ऊपर भरोसे के साथ फिर से मेहनत करना आना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा एक बार में नहीं मिलेगी, आपको बार बार मेहनत करनी होगी। शुरुआती दिनों में आप जो भी काम करेंगे उसमें रिजेक्शन और हार का सामना करके सीखते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।